और इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, कैलाश विजयवर्गीय का फोटो लगाकर पुरस्कार बांटने का आरोप लगा है। इसके साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय के बेटे पर प्रत्याशी का फोटो लगाकर गिफ्ट बांटने का आरोप लगा है। कल्पेश विजयवर्गीय का पुरस्कार बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। इंदौर एक विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं कैलाश विजयवर्गीय। News24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, तस्वीरें इंदौर की बताई जा रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय का फोटो लगाकर पुरस्कार बांटने का आरोप है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय इसमें पुरस्कार बांटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि News24 इस तरह की वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये तस्वीरें सामने आई है, ये कल्पेश विजयवर्गीय को आप देख पा रहे हैं, आकाश विजयवर्गीय के बेटे हैं और कैलाश विजयवर्गीय का फोटो लगाए पुरस्कार बांट रहे हैं। और चलेंगे इंदौर, बात करेंगे सहयोगी हेमंत शर्मा से। हेमंत, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही? तस्वीर हम देख पा रहे हैं, किस वक्त का ये वीडियो है, किस कार्यक्रम का, और इस पुरस्कार में कैलाश जी की फोटो के साथ साथ और किन बातों का जिक्र है, शिकायत में किन बातों का जिक्र है? देखिए बिल्कुल शुभम, इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक का ये पूरा मामला है, जहां पर कल्पेश विजयवर्गीय जो कि कैलाश विजयवर्गीय के छोटे वाले बेटे हैं, ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर उनका वायरल हुआ है, जो वो कुछ प्रलोभन सामग्री बांटते हुए सामने आ रहे हैं। वीडियो जो है कांग्रेस ने पूरा वीडियो लगाकर चुनाव आयोग को शिकायत की है। शिकायत के बाद अभी फिलहाल चुनाव आयोग इस पूरे मामले की जाँच में जुटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का एक सीधा आरोप है कि इतना बड़ा मामला वीडियो के साथ में शिकायत की गई, लेकिन उस शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस पूरे मामले में देखिए पूरा वीआईपी जो चुनाव है वो एक नंबर विधानसभा का, जहां से बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मैदान में और उनके सामने कांग्रेस से संजय शुक्ला मैदान में। संजय शुक्ला ने अभी तक 20 से ज्यादा शिकायतें कर चुके, जिसका वो दावा कर रहे हैं कि वीडियो के तथ्यों के साथ चुनाव आयोग को उन्होंने शिकायत की है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता होने के कारण उन पर कोई कार्रवाई यहां पर होती नजर नहीं आ रही है। जो वीडियो उनके वहां तक पहुंचा था, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो की पुष्टि के साथ में उन्होंने एक एफिडेविट लगाकर चुनाव आयोग को दिया है कि ये वीडियो जो है वो उनके क्षेत्र का है। उस क्षेत्र के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में जनता को प्रलोभन सामग्री बांटी जा रही थी, जिसके अंदर कैलाश विजयवर्गीय के चित्र बने हुए हैं। अब फिलहाल चुनाव आयोग इस पूरे मामले में संज्ञान लेने की बात करता नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई कठोर कार्रवाई आयोग की तरफ से नहीं हुई है। शिवम, हेमंत, ये शिकायत की बात आप कर रहे हैं, शिकायत की गई है, क्या बीजेपी की तरफ से, क्या कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से कोई पक्ष अब तक सामने आया? देखिए फिलहाल अभी तक बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रत्याशी जो हैं एक नंबर विधानसभा से, उनकी तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो, लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहा है उस वीडियो से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये वीडियो में जो कल्पेश विजयवर्गीय हैं वो आकाश विजयवर्गीय के फोटो के साथ जनता को प्रलोभन देते हुए नजर आ रहे हैं, और ये एक नंबर विधानसभा के कंडीलपुरा के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो कि बीजेपी समर्थक एक आकाश करके लड़का है, उसने यहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसके अंदर ये सामग्री वितरित करते हुए कल्पे आकाश। बिल्कुल हेमंत, आऊंगा आपके पास इस वक्त। हमारे साथ में संजय शुक्ला के वकील सौरभ मिश्रा खुद जुड़ चुके हैं, जिन्होंने शिकायत की है, वो खुद शिकायतकर्ता भी हैं। सौरभ जी, क्या जानकारी, जो शिकायत में किन बातों का जिक्र किया है, और अगर चुनाव आयोग आपकी शिकायत का संज्ञान लेता है, कार्रवाई करता है, तो क्या कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है? देखिए अभी गरबे के दौरान गरबे की बालिकाओं को पुरस्कार वितरण का एक कार्यक्रम कंडीलपुरा में रखा गया था भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा, जिसमें भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के छोटे सुपुत्र कल्पेश विजयवर्गीय उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और वहाँ उनके जो बड़े भाई है विधायक आकाश विजयवर्गीय, उनके फोटो लगा हुआ, उन्होंने एक बॉक्स बांट रहे हैं। उस बॉक्स में क्या गिफ्ट है वो एक विषय अलग है, वो बांट रहे हैं, और वहाँ की सभी कन्याओं और वहाँ सभी उपस्थित महिलाओं को उन्होंने रखा था गरबे की बालिकाओं को पुरस्कार देने का, लेकिन वहाँ उपस्थित सभी वृद्ध महिलाओं को, सभी महिलाओं को वो गिफ्ट लगातार दिए जा रहे हैं, जिसका हमने हमारे कार्यकर्ता ने चोरी छुपे एक वीडियो बनाया, और उस मय प्रमाण के साथ हमने, क्योंकि हम ऐसी कई शिकायतें कर चुके हैं कि वो पैसे बांट रहे हैं, नोट बांट रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग हमारी शिकायत को बिना प्रमाण के संज्ञान नहीं ले रहा था। वो ये कहता था लगातार कि आप कुछ प्रमाण लाइए, तो हमने इसका एक हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से एक वीडियो बनवाया, और वो वीडियो तो हमने मय प्रमाण के साथ
थाने पे भी शिकायत करी संबंधित जो मल्लारगंज थाना लगता है इंदौर का, और उसके बाद चुनाव आयोग को भी हमने शिकायत की है। लेकिन शिकायत किए हुए विगत दो दिन हो चुके, अभी तक उस पर कोई संज्ञान लिया गया और ऐसी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर सकता है अगर आपकी शिकायत को वाजिब माना जाता है तो? चुनाव आयोग के पास पूरे पावर है, प्राइमा फेसी दिख रहा है उसके अंदर कि ये मतदाताओं को प्रलोभन करने के लिए गिफ्ट बांटे जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग तो इनके चुनाव लड़ने पे भी रोक लगा सकता है। चुनाव आयोग इस पे चाहे जो कार्रवाई, अगर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेगा तो चुनाव आयोग इनका पर्चा भी निरस्त कर सकता है इस आधार से। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौरभ मिश्रा जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, जिस तरह से समझाने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर शिकायत यहाँ पर की गई है, लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल एक बड़ा सवाल हेमंत ये भी उठ रहा है कि दो दिन हो गए शिकायत किए हुए, जैसा कि बता रहे हैं सौरभ मिश्रा, संजय शुक्ला के वकील हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कि दो दिन हो गए चुनाव की इस मामले में चुनाव आयोग को शिकायत किए हुए, लेकिन अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। क्या उम्मीद कि चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई कर सकता है हेमंत? देखिए बिल्कुल शिवम, चुनाव आयोग दावे कर रहा था कि 100 मिनट के अंदर हम कोई भी शिकायत आती है उसका निराकरण करते हैं, लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग के दावे की भी पोल खुलती नजर आ रही है। हमने कल कलेक्टर से भी बात की थी इस पूरे मामले में लेकर, तो कलेक्टर ने दावा किया था कि 100 मिनट के अंदर हमारी रिस्पांस टीम मौके पर पहुंचती है और कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस ने इस पूरे मामले की शिकायत की है, शिकायत पर कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। इसके पहले कांग्रेस के एक नेता पर जरूर कार्रवाई यहाँ पर होती नजर आई थी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में, जो कि चिंटू चौक से जहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं उनके कार्यालय पर पहुंची थी और कार्यालय पर उन्होंने पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद कार्रवाई भी की थी। लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी के एक बड़े नेता के ऊपर आरोप लगे हैं, शिकायत हुई है, लेकिन शिकायत पर अब तक चुनाव आयोग जो है वो यहाँ पर कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग किस प्रकार से निष्पक्ष कार्रवाई यहाँ पर करता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सहयोगी हेमंत शर्मा खबर को विस्तार से बताने और बातचीत करने।